सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर से चलते हैं हम एक्सपेरिमेंट नंबर 14 पर। ठीक है, अगला प्रयोग है 14। अब इस प्रयोग में हमें क्या पढ़ना है या क्या लिखना है, किस प्रयोग को देखना है, तो क्या है, खरगोश या रैबिट है। ठीक है, क्या है, खरगोश या रैबिट है। इसका जूलॉजिकल नेम या जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ओरेक्टोलेगस क्यूनिकुलस, ओरेक्टोलेगस क्यूनिकुलस, ये क्या है, खरगोश या रैबिट का जंतु वैज्ञानिक या जूलॉजिकल नेम है। समझ गए होंगे आप सब लोग। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, चित्र को बनाते हैं। तो खरगोश का चित्र बनाना है, कौन सा चित्र बनाना है आपको हम दिखाएंगे, तो आप वीडियो को रोक करके बना सकते हैं। अब उससे पहले कि चित्र से पहले, आप लोगों ने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे कि आगे के जो प्रयोग हैं वो उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें या आप तक पहुंचते रहें। समझ गए होंगे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि उन्हीं से हमें आगे की वीडियो बनाने की जो प्रेरणा है वो मिलती है। ठीक है, तो ये काम भी ना भूलें। अब चलो हम आपको दिखाते हैं कौन सा चित्र बनाना है खरगोश का। ये रहा जो चित्र बनाना है हमें, तो इस चित्र को क्या कर लेंगे, बना लेंगे। किसका चित्र है, तो आप देख रहे होंगे इसके नीचे लिखा है खरगोश, ओरेक्टोलेगस और क्यूनिकुलस, ये है इसका जंतु वैज्ञानिक नाम। तो इस प्रकार से आपको दिख रहे हैं, ये वाला चित्र हम लोगों को बना लेने हैं। तो आपको जैसा कि पता है इसके जो शरीर है वो सिर, ये गर्दन है, तो सिर गर्दन और ये पूरा धड़ होता है और ये पूंछ, छोटी सी इसमें पूंछ भी पाई जाती है। समझ गए होंगे, इसमें ये आपको पता है ईयर हैं, ये आई हैं, ये इसका माउथ होगा और नोस्ट्रल होंगे, मतलब नासा छिद्र हैं। ये चार पैर होते हैं जिसमें आगे के छोटे होते हैं और पीछे के पैर कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, और इसके जो शरीर पर क्या रहते हैं, रोम पाए जाते हैं। इस प्रकार से इस चित्र को क्या कर लेना है, बना लेना है। तो या तो वीडियो को रोक करके बना लें, अगर बुक में आपको मिलता है, आपके पास कोई भी बुक है उसमें अगर बना हो तो आप बुक से भी बना सकते हैं, अन्यथा आप वीडियो को रोक कर ही इससे देख करके क्या कर सकते हैं, इस चित्र को बना सकते हैं। समझ गए होंगे आप। चित्र बनने के बाद जैसा कि आप लोगों को सबको पता होगा, चित्र बन जाता है, तो चित्र बनने के बाद हमें ऐसे ही लिखना भी है, जैसे खरगोश का है तो इसके नीचे खरगोश लिख दें या फिर ये लिख दें कि ओरेक्टोलेगस क्यूनिकुलस, या इतना लिख दें ओरेक्टोलेगस। ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं आप इस खरगोश को, या पूरा भी लिख सकते हैं। तो अब क्या करते हैं चित्र बनने के बाद, तो चित्र बनने के बाद हम करते हैं वर्गीकरण। इसका जो खरगोश है इसका वर्गीकरण यहाँ साइड में करते हैं, जो इसका यहाँ चित्र बन गया, बीच में चित्र बनता है, यहाँ साइड से कोने में जगह बचती है उस पर क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसका खरगोश का क्या करना है, अब हम लोगों को वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन देख लेना है। तो चलो हम बताते हैं आपको क्लासिफिकेशन इसका खरगोश का या ओरेक्टोलेगस क्यूनिकुलस का। ठीक है, तो ये रहा क्या है, वर्गीकरण है। तो ओरेक्टोलेगस क्यूनिकुलस का ये क्या है, वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। जो कहाँ करना है आपको पता है, जिस पेज पर हमने चित्र बनाया है प्लेन पेज पर, उसमें ही साइड से आपको वर्गीकरण कर लेना है। तो वर्गीकरण में क्या क्या लिखते हैं हम, तो पहला किंगडम है, और किंगडम इसका क्या है, एनिमिलिया है, जंतु जगत। किंगडम का मतलब क्या होता है, जगत, और एनिमिलिया का मतलब जंतु, तो जंतु जगत के अंतर्गत आ जाता है। फाइलम का मतलब है संघ, तो कौन सा संघ है, कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत खरगोश को रखा गया, अर्थात इसमें जो नोटोकॉर्ड और होलोलाइक नर्व कॉर्ड पाई जाती है और जीवन की किसी ना किसी अवस्था में ग्रसनी गिल्स दरारें बनती हैं, तो ये हो जाती हैं क्या, उनको कॉर्डेटा संघ में रखा जाता है। तो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा होते हैं, तो कॉर्डेटा चल रहा है संघ, और कॉर्डेटा में कितनी क्लास जो हैं आपके वर्ग हैं वो पढ़े हमने, मत्स्य वर्ग है, जैसे ओवेचर वर्ग है पढ़ा, ओवेचर वर्ग के बाद सरीसृप, सरीसृप के पक्षी, पक्षी के बाद स्तनी, और कॉर्डेटा संघ का ये लास्ट जो वर्ग है वो चल रहा है, तो ये कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आ जाता है। अगला है क्लास, तो क्लास क्या है, मेमेलिया या स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत खरगोश को रखा गया, क्योंकि खरगोश में स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इसको क्लास मेमेलिया या स्तनधारी में रखा गया है। अगला है ऑर्डर, तो क्या है, लोगोमोर्फा, लोगोमोर्फा
गण के अंतर्गत खरगोश को रखा गया है। क्या है वह ऑर्डर, क्या है इसका गण, क्या है लोगोमॉर्फा, ठीक है। अगला आ जाता है जीनस, तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपने अगर जूलॉजिकल नेम लिखा है तो वंश और जाति के जो है हमें पता ही रहती है। तो जीनस या वंश क्या है, ओरेक्टोलेगस, ठीक है, ओरेक्टोलेगस। और जो स्पीसीज है या जाति है वो क्या है, क्यूनिकुलस है। क्या है, क्यूनिकुलस है। तो जब जंतु विज्ञान नाम लिखते हैं तो इनके अंदर क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, तो ये अंडरलाइन लिखें, ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं तिरछी अक्षरों में लिखते हैं, छपाई में तिरछी अक्षरों में, और वैसे जब हम लिखते हैं हाथ से तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपने वर्गीकरण कर लिया होगा कहाँ पर करना है, जिस पर हमने चित्र बनाया है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, तो उसके बाद हम लिखते हैं कमेंट्स। तो जो लाइनिंग वाला पेज होता है उस पर पहले हम हेडिंग डालते हैं, क्या खरगोश या रैबिट, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो लिखते हैं खरगोश, और खरगोश रैबिट है। और फिर उसके नीचे क्या लिखते हैं, जूलॉजिकल नेम, तो जूलॉजिकल नेम क्या है, ओरेक्टोलेगस क्यूनिकुलस, ठीक है, इसको लिख लेंगे ओरेक्टोलेगस क्यूनिकुलस। अब क्लासिफिकेशन तो आपने कर ही लिया है, इसके बाद तुरंत हम आ जाते हैं कहाँ पर, एक कमेंट्स है ऑफ रैबिट, मतलब टिप्पणियाँ लिखते हैं इस पर, खरगोश पर टिप्पणी लिखते हैं कि क्या क्या है, कैसा दिख रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये हम इस पर कमेंट्स करते हैं या कमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये रहा पहला कमेंट्स, क्या है, खरगोश संध्याचर, तो संध्याचर का मतलब है कि रात शाम के समय ये घूमते फिरते हैं, ठीक है, या फिर रात्रिचर हैं, या शाकाहारी होते हैं, शाखा जैसे घास फूस को एका करते हैं, खासे रहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। अगला क्या है, अगला है जो दूसरा कमेंट क्या है, या इसका लक्षण क्या है, तो खरगोश के शरीर पर कोमल घने भूरे रंग के बालों का आवरण होता है, मतलब संपूर्ण शरीर पर इसके क्या पाए जाते हैं, बट कोमल से जो बाल होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है, भूरे रंग के होते हैं। अगला तीसरा क्या है, खरगोश का शरीर सिर ग्रीवा धड़ व पूंछ में बटा रहता है या बटा है, ठीक है, तो कितने भागों में, चार भागों में खरगोश का शरीर है जो बटा हुआ है, ठीक है, सिर है फिर गर्दन है, ग्रीवा कहते उसे, धड़ है, और पूंछ है, पूंछ भी इसमें पाई जाती है। अगला है खरगोश के सिर पर, अगर सिर को देखें तो सिर पर क्या है, अग्र सिरे पर उसके क्या होते हैं, होंठों से घिरा हुआ मुख होता है, और मुख के ऊपर ही क्या होते हैं, नासा छिद्र होते हैं, और ऊपर देखें नासा छिद्रों के ऊपर ही देखें तो क्या होते हैं, एक जोड़ी आँखें स्थित होती हैं। तो इस प्रकार से अगला पॉइंट क्या है देख लेते हैं, तो अगला पॉइंट क्या है, खरगोश के सिर पर दो बड़े कर्ण क्या है, वाह कर्ण स्थित हैं, लंबे से क्या होते हैं, कर्ण पाए जाते हैं, ठीक है। अगला छठवां पॉइंट क्या है, तो छठवां पॉइंट जो है, खरगोश के अग्रपाद छोटे होते हैं, आगे के पैर छोटे होते हैं, और पश्चपाद क्या होते हैं, छोटे होते हैं, क्योंकि अगर हम सुपर क्लास देखें तो चतुष्पाद के अंतर्गत आते हैं, जिनमें चार पैर पाए जाते हैं, उसको कौन सी सुपर क्लास में रखा जाता है, चतुष्पाद में, जैसे मनुष्य और ये जो उभयचर वर्ग से लेकर के जो मैमेली स्तनधारी वर्ग है, यहाँ तक के सभी कैसे, इनकी अगर सुपर क्लास देखी जाए तो चतुष्पाद होती है, समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं, तो इसलिए इसमें कैसे चार पार हैं, पैर हैं, और चार पाद कहें या पैर कहें एक ही बात होती है। तो खरगोश के जो अग्रपाद है वो छोटे हैं, लेकिन पश्चपाद कहते होते हैं, लंबे होते हैं, इसलिए उछल कूद करता रहता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, खरगोश क्या है, एक लिंगी प्राणी है, कैसा है, एक लिंगी होते हैं, मतलब अर्थात इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, एक लिंगी का मतलब होता है नर अलग होती है और मादा अलग अलग जीव हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, तो अगला पॉइंट क्या है, खरगोश एक जरायुज वेविपेरस प्राणी है, मतलब जरायुज है, जरायुज का मतलब होता है ये बच्चों को जन्म देते हैं, अंडयुज और जरायुज, अंडयुज का मतलब होता है क्या कि अंडे देने वाले, और जरायुज का मतलब होता बच्चे देने वाले, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, ये जरायुज होती हैं, अर्थात बच्चों को जन्म देते हैं। अगला नौवां पॉइंट है, तो नौवां पॉइंट क्या होता है, जो इसकी क्लास ही है स्तनधारी वर्ग, तो वही चीज़ बताई है कि मादा खरगोश के अधर तल पर 5 से 6 जोड़ी क्या है, स्तन ग्रंथियां स्थित होती हैं, मतलब इसमें अधर तल पर क्या पाई जाती हैं, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या जाना है, हमने
इस पर टिप्पणियाँ लिखी हैं, कमेंट्स लिखे हैं। ए सब किसके हैं? खरगोश के हैं। और खरगोश के बाद जो आपका जंतु जगत है वो ख़त्म हो जाता है, अर्थात इसमें इतने ही प्रयोग हमें लिखने हैं, 14 ही। अब हम कुछ जो जंतुओं की काटे हैं, स्लाइड्स हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे या उनके चित्र बनाएंगे। फिर उसके बाद जो प्लांट्स वर्ग होगा, पादप जगत होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज तक ये जो जंतु जगत था, ये जो इसमें क्लासिफिकेशन करना होता था, ये ख़त्म हो गया है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, काटें या स्लाइडों को देख करके वो बनाने होंगी स्लाइडें। तो उसमें जो वर्गीकरण होता है वो हम नहीं करते हैं, सीधे उस पर टिप्पणियाँ लिख देते हैं। तो दो चार क्या करेंगे, हम उनके चित्र देख लेंगे। तो लेकिन अब जो एक वर्गीकरण वाला टॉपिक था वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम कल आपसे फिर मिलते हैं अगले एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, स्लाइड के साथ, स्लाइडें देख करके आपको बनाने होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।